दोस्तों आप में से बहुत से लोगों मेरे इस डिजिटल माइक्रोस्कोप के अनबॉक्सिंग वीडियो देखनी थी। तो हे दोस्तों, आप लोग वी फोरियस और आज के इस वीडियो में मैं अपने इस डिजिटल माइक्रोस्कोप को अनबॉक्स करने वाला हूँ। साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि इसे मैंने कहाँ से लिया था, कितने रुपए का लिया था और इसे कैसे यूज़ करना होता है। लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को फटाक से लाइक कर दो और हाँ, और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। तो फटाक से अपने इस डिजिटल माइक्रोस्कोप की अनबॉक्सिंग वीडियो शुरू करते हैं। तो ये इस माइक्रोस्कोप का बॉक्स, इसके बॉक्स में ही बहुत सारे फीचर्स इन लोगों ने गिना दिए हैं। ये देखो, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, माइक्रोस्कोप है, 30 FPS पर रिकॉर्ड करता है ये वीडियो को, फोटो भी क्लिक करता है, ठीक है। और यहाँ पे इसके बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, वो सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे हो सकता है ये लिखा हुआ है। स्किन, हेयर, एजुकेशन, PCB, ज्वेलरी, बायोलॉजिकल, अदर, या फिर आपको जो कुछ भी यूज़ हो, बहुत जगह इस माइक्रोस्कोप का यूज हो सकता है, ठीक है। और इसके स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप लोग, मेन चीज़ तो है कि 30 FPS पर रिकॉर्ड करता है, 2 मेगापिक्सल कैमरा है और 1000 times जूम है इसका, ठीक है। बोलने के लिए 1000 है, बाकी का रियल में कितना है पता नहीं। ये यहाँ पे जो कार्ड दिया गया है, इसको कैलिब्रेट करने के लिए दिया गया है ताकि माइक्रोस्कोप सही से वर्क करे। और ये इसका यूज़र मैनुअल है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस लिखा है कि कैसे इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। और ये इसका छोटा सा स्टैंड है, और भाई ये है छोटा सा माइक्रोस्कोप। यहाँ पे स्नैप का बटन है, यानी कि फ़ोटो क्लिक करने का बटन है, और जूम करने का बटन है। जूम करने का बटन वैसे इस पे काम नहीं करता है, लेकिन स्नैप का बटन काम करता है, फ़ोटो क्लिक करने का बटन काम करता है। यहाँ से आप लोग जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जब हम लोग इसे घुमाएंगे तो इसके अंदर का जो लेंस है, कैमरा है, वो नीचे ऊपर होता है। हमें इसे बहुत ही सावधानी से करना होता है, क्योंकि जरा सा भी मूव होने पर ये हिल जाता है और फोकस से बाहर हो जाता है। साथ ही कैप भी दिया गया है, और इसके वायर में इसकी एलईडी लाइट को एडजस्ट करने के लिए ये नॉब दिया गया है। घुमाने पर इसकी एलईडी लाइट कम ज़्यादा हो जाती है, कुछ इस तरीके से। और दोस्तों, इसकी कीमत 2000 रुपये लिखी हुई है, लेकिन मुझे ये केवल 999 का मिला था आज से 6 महीने पहले। इस टाइम पे तो अमेजोन पे ये 5-5, 10-10 हज़ार का मिल रहा है, लोग लूट रहे हैं इसके नाम पे। मतलब मैंने जो चीज़ 1000 की खरीदी, वो 2500, 5000, यहाँ तक कि 10000 की बिक रही है। तो इस टाइम तो इसे नहीं लेने वाला है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देता हूँ, शायद कुछ समय बाद इसका रेट 1500 या फिर 1000 के आसपास आ जाए। तो इसका सॉफ्टवेयर आपको इस साइट पर मिल जाएगा, इसे डाउनलोड कर लेना अपने विंडोज़ या फिर मैक के हिसाब से। तो ये मेरा विंडोज़ है, तो मैंने विंडोज़ के हिसाब से डाउनलोड कर लिया है। और भाई यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, यहाँ से इसका कैमरा ऑन होगा, ठीक है, और यहाँ से फ़ोटो क्लिक होगी और यहाँ से वीडियो कैप्चर होगा, बहुत ही आसान है। तो फटाक से मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरा को ऑन करके डिवाइस पे गए, ओपन, और यहाँ पे सेटिंग अपने हिसाब से सेट कर लो, और कैमरा हो गया ऑन। यहाँ पे 2 सैंपल्स हैं मेरे पास, एक फोम का है और एक थोड़ा सा पाउडर है। तो दोनों चीज़ों को हम लोग जूम करके देखने वाले हैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि एलईडी कम ज़्यादा होने पर कितना फ़र्क पड़ता है। तो ये रखा हुआ है डफ्टी के टुकड़े पे, ठीक है, पाउडर भी और फोम भी। तो मैं इसे सेट करता हूँ, और ये देखो, चमक की वजह से पाउडर तो साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन दफ्ती का टुकड़ा बहुत ही मस्त आ रहा है। देखो किस तरीके से दफ्ती का टुकड़ा बना हुआ है, साफ साफ दिख रहा है, एक एक रेशा दिख रहे हैं दफ्ती के। तो अभी इस फोम के ऊपर फोकस करना शुरू करते हैं, और ये देखो, ओ माय गॉड, फोम का एक एक होल दिख रहा है। तो दोस्तों, आपको ये फॉर्म देखने में कैसा लग रहा है कमेंट में बताना जरूर। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने देखा अपने इस डिजिटल माइक्रोस्कोप का अनबॉक्सिंग वीडियो। तो अगर आपके पास ये माइक्रोस्कोप होता तो आप लोग इसका यूज किस प्रकार करते, ये भी कमेंट में बताना। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना।